नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल के 5 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक कितने फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, बॉलीवुड की हिट मशीन कहे जाने वाले अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज हो चुके हैं 5 दिन और दोस्तों फिल्म ने 5 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए और फिल्म अपने शुरुआती 4 दिनों में ही 100 करोड़ की कमाई कर चुकी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जहां इस साल बड़ी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 70 से 80 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन नहीं कर पाई थी, वही अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल जो कि इतने कम बजट में बनी थी उस फिल्म ने शुरुआती वीकेंड में ही 100 करोड़ रुपए की कमाई दे दी है। और दोस्तों इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है अक्षय कुमार के स्टारडम और उनके कंटेंट फिल्मों को। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार ने पिछले कुछ सालों से ऐसी फिल्में बनाई है जो कि कंटेंट वाइज काफ़ी बढ़िया रही है और लोगों के बीच में अक्षय कुमार ने एक बड़ा विश्वास जगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, लोगों को आज के टाइम में अगर ये पता चलता है कि फिल्म में अगर अक्षय कुमार है तो फिल्म 101% अच्छी होगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी खास वजह यह है कि पिछले 4-5 सालों में अक्षय कुमार ने जितनी भी फिल्में बनाई है सबकी स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी और लोगों को वो फिल्में पसंद आई और सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। तो दोस्तों इस लाइन में अब एक और नाम जुड़ गया है, वो है मिशन मंगल का। जी हाँ दोस्तों, मिशन मंगल फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही अपने पहले दिन 29 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी और फिल्म ने दूसरे दिन भी 17 करोड़ से ज़्यादा कमाए थे। लेकिन दोस्तों फिल्म की कमाई दूसरे और तीसरे दिन तो काफ़ी बढ़िया रही, लेकिन लोगों को लग रहा था कि फिल्म के जो कलेक्शन है वो शायद चौथे दिन उतने नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, फिल्म ने जहाँ अपने शुरुआती 3 दिनों में ही 70 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी, वही फिल्म ने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा जंप किया और फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी संडे अपने पहले दिन से ज्यादा कलेक्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें डे वाइज कलेक्शन की, जहां फिल्म ने पहले दिन 29 करोड़ 16 लाख रुपए कमाए थे, दूसरे दिन 17 करोड़ 28 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म ने तीसरे दिन 23 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। लेकिन दोस्तों फिल्म का जो कलेक्शन है चौथे दिन का वो रहा लगभग 30 करोड़ रुपए और इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया और फिल्म 4 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है सुपरहिट। लेकिन अगर बात करें हम 5वें दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म के कलेक्शन में 5वें दिन एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है और इसकी खास वजह दोस्तों ये है कि 5वें दिन है मंडे और मंडे से वर्किंग डे चालू हो जाता है और मंडे के बाद फिल्मों के कलेक्शन आना कम हो जाते हैं। इसी की वजह से दोस्तों फिल्म मिशन मंगल अपने 5वें दिन बॉक्स ऑफिस पर मॉर्निंग वाले शोज में लगभग 18% की ऑक्यूपेंसी के साथ शुरुआत की है, वही आफ्टरनून और इवनिंग में फिल्म को 35% की ऑक्यूपेंसी मिल रही है। यानी कि जो अभी तक की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से मिशन मंगल फिल्म अपने 5वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर सकती है लगभग 11 करोड़ रुपए का। इसी के साथ दोस्तों मिशन मंगल फिल्म का 5 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 111 करोड़ रुपए, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 130 करोड़ रुपए। और अगर बात करें ओवरसीज कलेक्शन के, तो दोस्तों आपको बता दें फिल्म को ओवरसीज मार्केट में लगभग 500 से 600 स्क्रीन में रिलीज किया गया था और फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में अभी तक कमाई की है 23 करोड़ की। तो दोस्तों फिल्म के जहां इंडिया का 130 करोड़ रुपए ग्रोस और ओवरसीज का 123 करोड़ रुपए ग्रोस, इसी के साथ दोस्तों फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो जाता है वो हो चुका है 153 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट में 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया और आने वाले 4 से 5 दिनों में फिल्म 200 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी वर्ल्ड वाइड। वही दोस्तों अगर बात करें इंडियन नेट कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें फिल्म ने जहां अभी तक इंडियन नेट मार्केट में 111 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि यह फिल्म सलमान खान के इस साल के भारत फिल्म का रिकॉर्ड शायद तोड़ सकती है। जी दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत फिल्म का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो है लगभग 200 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जिस तरह से मिशन मंगल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है उसे देखते हुए तो लग रहा है कि ईद पे रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म भारत का रिकॉर्ड अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल तोड़ सकती है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है कि अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल सलमान खान की फिल्म भारत का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने ये दोनों फिल्में देखी है तो आपको सलमान खान की फिल्म भारत और अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल में सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी लगी, अपनी पसंद की फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मिशन मंगल
फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।